अनुभवी सांसद रहे हैं, 5 बार आप संसद के सदस्य रहे हैं, 6 बारी रहे हैं, आप ये जानते हैं कि लोगों के पैसे से जो चीज़ खरीदी जाती है उसका CNDG ऑडिट करता है, CNDG के ऊपर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ओवरसाइट एक्सरसाइज करती है, उसके बाद लोकसभा के पटल पर वो बात रखी जाती है। आप अगर भ्रष्टाचार पे इतने पाक साफ हैं तो आप रफेल कितने में खरीदा है उसकी कीमत बताने से क्यों घबरा रहे हैं? मैं इसका जवाब दे जी, जी आप अन्य चीज़ों का नहीं, बट ये जो लेटेस्ट है रफेल ये इनको इनके गला में अटकने वाली है, इसीलिए मैं उठा रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि नेशनल हेरल्ड में मैंने कोई सरकार से नहीं मदद मांगी, मैंने जाकर इनकी राज में 2013 मैंने प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की, 2G में भी मैंने ऐसे ही किया। तो मैं ये कहता हूँ कि इतने बड़े बड़े वकील हैं उनमें, मैं तो वकील भी नहीं हूँ, और ये दुनिया भर के सारे जो वकील हमारी यानी दुनिया में जो प्रतिष्ठित हैं उनके इनके पार्टी में हैं, और इनका एक भी किसी को ये सामर्थ्य नहीं है या काबिलियत नहीं है कि वो जाकर कोर्ट में एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करें। इनके पास कोई जानकारी ही नहीं है। एक बोला कि सीक्रेट नहीं है तो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने इनको खंडन कर दिया, अब फिर दूसरा लेकर आते हैं। मैं कहता हूं कि आपको हिम्मत है, आपके पास वास्तव में जानकारी है रफेल के बारे, आप जाकर प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करिए या माफ़ी मांगिए इस देश को झूठ बोलने के लिए। मैं